इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू चेक विच वन इज करेक्ट। सो पहली बात तो ये है समझने वाली कि 1 रेडियन जो होता है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 57 डिग्रीज के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम sin 1 डिग्रीज और sin 1 रेडियन को कंपेयर करना चाहते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट sin 1। ठीक है, तो sin 1 जो है वो लगभग 57 डिग्री के आसपास है। तो sin 1 डिग्री और sin 57 डिग्री अगर हम कंपेयर करेंगे तो sin का ग्राफ भी अगर हम देखते हैं तो 57 डिग्रीज पे वैल्यू जो है ज़्यादा आने वाली है इन कंपेरिजन टू वैल्यू एट 1 डिग्री। तो sin 57 डिग्री का आंसर बड़ा होने वाला है। दिस इम्प्लाइज sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्रीज। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 3π/4 रेडियन एट द सेंटर। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है इसके लिए एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है? रेडियस हमें निकालना है, आर्क लेंथ दे रखा है। ओके, सो रेडियस इज व्हाट? आर्क अपॉन एंगल। इस फॉर्मूले में जो एंगल रखेंगे वो याद रखेंगे हमेशा रेडियंस में रखना होता है। तो आर्क का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर्स एंड एंगल का वैल्यू है 3/4। सो जस्ट कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स 5 और 4 ऊपर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 10 थीटा जो है वो -4/3 दे रखा है। सो यू कैन कंप्लीट अ ट्राइंगल। इसमें एक साइड 4 मान लो और एक साइड 3 मान लो, एंड इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ये साइड 5 आ जाएगी। सो 10 थीटा जो है वो -4/3 है। तो 10 थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स का ये एंगल हो सकता है। तो अगर मुझे sin θ निकालना है तो sin θ क्या होता है? ऑपोजिट साइड विच इज 4 एंड दी हाइपोटेन्यूज विच इज 5। बट यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस कब होगा? जब थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये वैल्यू माइनस कब होगी? जब थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो ये डायग्राम होता है, इसमें अपने को पता चलता है कि कौन सा एंगल यहाँ पे मतलब कौन सा रेशियो पॉजिटिव रहने वाला है। सो दिस इज अ सिनेरियो, राइट? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा एंड थर्ड में 10 और फोर्थ में कॉस, राइट? सो दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन।